वालों के लिए गाइडलाइंस भी जारी की हैं तो सोचिए सरकार गाइडलाइंस क्यों जारी कर रही है एक सेहत का सवाल है है और और इसके साथ और भी जुड़े हुए पहलू हैं सरकार कह रही सावधान कर, इस्तेमाल करें मोबाइल मोबाइल का जितना संभव संभव हो को अपने शरीर से दूर रखें यह खुद सरकार गाइडलाइन जारी कर रही है जारी किए सरकार ने कान से मोबाइल को दूर रखने के लिए ईयरफोन या ब्लूटूथ का इस्तेमाल करें कान से दूर रखें मोबाइल को अपने सिर के पास न रखें सावधान रहने की जरूरत है मोबाइल पर ज्यादा देर बात ना करें ज्यादा लंबी बात ना करें संभल कर इस्तेमाल करें मोबाइल का बच बचकर इस्तेमाल करें मोबाइल का यह सरकार की गाइडलाइन है कि ज्यादा से ज्यादा मैसेज का इस्तेमाल करें बात कम करने की कोशिश करें अगर मैसेज से काम चलता है तो मैसेज का इस्तेमाल करें स्पीकर फोन पर बात करें कान पर लगा के बात न करें स्पीकर फोन ऑन करें और स्पीकर फोन ऑन करके बात करें खुद सरकार कह रही है सोचिए सोचिए सरकार कह रही है जहां सिग्नल अच्छा हो वहीं बात करें बात करते हुए चले नहीं सिग्नल वीक होता है मोबाइल सिग्नल को पकड़ने की कोशिश करता है चलते हुए मोबाइल पर बात न करें जब मोबाइल सिग्नल पकड़ने की कोशिश करता है तो रेडिएशन ज्यादा होती है खतरा आप पर ज्यादा होता है ये सरकार की गाइडलाइन है चश्मा पहने हो या सिर गीला हो तब मोबाइल से बात न करें सिर गीला हो तो मोबाइल से बात न करें ये सरकार कह रही है कॉल जब कनेक्ट हो जाए लग जाए उसके बाद ही मोबाइल या इयरफोन को कान के पास लाएं जब कनेक्ट हो रही हो तब सिग्नल ज्यादा स्ट्रांग होता है मोबाइल में रेडिएशन का ज्यादा खतरा होता है और संभव हो तो लैंडलाइन का इस्तेमाल करें लैंडलाइन में ये रेडिएशन वाले खतरे नहीं है मोबाइल को शर्ट या पैंट की जेब में न रखें जेब में न रखें मतलब शरीर के करीब न रखें शर्ट की जेब में न रखें पैंट की जेब में न रखें बच्चों से दूर रखें रेडिएशन इसका खतरनाक है रेडिएशन मोबाइल फोन का इतना खतरनाक है सरकार कह रही है कि बच्चों से मोबाइल को दूर रखें मरीजों से मोबाइल को कम से कम छ इंच दूर रखें मरीज के पास न ले जाए मरीज को पहले ही दिक्कत है और रेडिएशन से और ज्यादा दिक्कत हो सकती है ये खुद सरकार की गाइडलाइंस कह रही हैं सरकार की गाइडलाइंस कह रही हैं ये